बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। खालिक से मांगना सुन्नत, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। आज बहुत जबरदस्त रेसिपी है, ये कमाल की रेसिपी है, आपके साथ शेयर करने लगा हूं। बहुत ज्यादा डिमांड थी इसकी कि बन्नू की जो पुलाव तैयार होती है उसका, बन्नू की पुलाव का तरीका बताएं कि बन्नू की पुलाव तैयार किस तरीके से होती है। डार्क पुलाव जो होता है बन्नू में तैयार होता है, जूसी और डार्क। ये रेस्टोरेंट का आइटम नहीं है, ये रेडी वगैरह पे या ढाबे पे बन्नू की ये सौगात है, बन्नू की ये डिश है। ओरिजिनल रेसिपी उसी तरीके से इंशाल्लाह जूसी होगी और डार्क होगी, हल्की हल्की ब्लैक की तरफ होती है, ब्लैक कलर की ये जो है ना रेसिपी होती है पुलाव। 2 किलो की रेसिपी देने लगा हूं, जबरदस्त रेसिपी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक रेसिपी। आप ट्राई करें, अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, मुझे दुआओं में याद रखें। व्यूअर, मेरे पास ये मैंने 2 किलो चावल लिए कच्ची बासमति के, लंबे वाला चावल, अच्छे वाला कच्ची बासमति का। अगर इससे मेयरमेंट करूं तो ये आधा किलो का मग्गा है, मैंने 4 मग्गे लिए। मैं इसका आपको कब पानी डालना है वो तरीका बताता हूं। ये मेरे पास बीफ है, बड़ा गोश्त है, ये मैंने लिया 2.5 किलो गोश्त है। ये हड्डियों का वजन नहीं है, ये नलियां जो हैं इनका वजन नहीं है, ये जहन में रखिएगा। जो रेसिपी है आप भी बनाएं तो नलियों का वजन जो है ना वो बीच में ना गिना करें। छोटी बोटी करा ली, ये देखें छोटी वाली बोटी मैंने इसकी करा ली, इस साइज की छोटी छोटी बोटी आपको मिलती है, ये इसमें मैंने डाल दिया। वैसे इसका फार्मूला जो है ना, ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं इसलिए मैं इसके अंदर गोश्त ज्यादा शामिल कर रहा हूं। वैसे जो 2 किलो है, 2 किलो के अंदर जो गोश्त है वो शामिल होगा आपका 1.25 किलो, ये ध्यान में रखिएगा जो कारोबार कर रहे हैं। हड्डियों का वजन बीच में नहीं होगा। पानी शामिल कर दें, अब पानी कितना शामिल कर दें जितना आपका दिल करे, क्योंकि इसी पानी का, इसी यखनी को हमें चाहिए होगा, ये यखनी हमें चाहिए होगी बाद में चावलों में इस्तेमाल करने के लिए। 2 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें बस, इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा। अब इसको ऐसे मैंने डाल दिया, देखें पानी भी डाल दिया इसके अंदर, और मैंने तकरीबन ये पानी बनता है 3 लीटर पानी बनता होगा, ये मैंने कुकर को यहाँ तक भर लिया। आप भी ऐसा कीजिए फिर, ताकि हमें ये यखनी बाद में काम आ जाए हमारे। ये देखें, ये इसको कुकर को बंद कर दें, फ्लेम को ऑन कर लें, मीडियम फ्लेम है मेरा, और इसको 25 मिनट के लिए ऊपर चढ़ा दें। ये ले जी, ये 25 मिनट में गल जाएगा, 25 मिनट मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया। अगर आपके पास गोश्त थोड़ा सख्त है, हार्ड वाला है, तो आप 30 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 25 मिनट लगाना है क्योंकि ये गोश्त नरम था, छोटी पोटी थी। 25 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ये ले व्यूअर, ये मैंने आपको बताया था कि 2 किलो मेरे पास चावल हैं, और ये इसको मैं भिगोने लगा हूँ। अब ये मेरे पास अच्छे वाला चावल है, इसको मैं 40 से 45 मिनट भिगोऊंगा। अगर मैं चावल को ज़्यादा टाइम के लिए भिगोऊंगा तो इसके जो पुलाव में मैं पानी शामिल करूंगा बाद में, तो वो मैं काम करूंगा। मेरे फार्मूले को समझा करें, मैं हर बात आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इसको 25 मिनट के लिए भिगोऊंगा तो उधर से पानी को मैं बढ़ा दूंगा। अब मैं इसको 40 मिनट के लिए भिगो रहा हूँ, कितना पानी शामिल होगा, 2 किलो चावल और 2.5 किलो गोश्त। हड्डियाँ अलग से हैं, 1.25 किलो हड्डियाँ मैंने ली थी, 4 नलियाँ वो अलग से हैं, उनका वजन इसमें जो है ना वो नहीं गिना जाता, आप भी ना गिनिएगा। आप सिर्फ 2.5 किलो को फोकस कीजिएगा, 2.5 किलो गोश्त, 2 किलो चावल। अगर कमर्शियल बना रहे हैं, 2 किलो चावलों में 1.25 किलो गोश्त, हर चीज़ आपको समझा दी। अब इसको मैंने भिगो दिया 40 मिनट के लिए। ये देखें हमारे गोश्त तो 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसका वेट अभी नहीं उठाया, ये इस वेट के अंदर ही रहेगा 25 मिनट को। मैंने इसकी ये विसल चलती रही, वेट इसका चलने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। ये मेरे पास मोटी परत वाला पतीला है, मैंने आपको कई दफा बताया जब भी चावल बनाए उसकी स्टीम की जगह रखा कीजिए मोटी परत वाला पतीला। ये चूल्हा मैंने हाई स्पीड चूल्हा मेरे पास, ये ऑन कर लिया, इसके ऊपर ये पतीला उठा लिया। मेरी बात को, टिप्स को, ट्रिक को समझा करें। अब मैंने करना क्या है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है पतीले को, पहले ये गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये नहीं व्यूअर, मेरा ये जो है ना पतीला गर्म हो चुका है, ये मेरे पास चर्बी है, ये लाजमी डलेगी इसमें। ये मेरे पास 1 पाव चर्बी है, 1 पाव चर्बी इसमें शामिल करते हैं पतीले में इस टाइम। ये जो जूसी बनते हैं ना चावल, कहते हैं जी जूसी ने, जूसी चावल तैयार होंगे ढाबा स्टाइल, रेडी स्टाइल इंशाल्लाह। 1 पाव चर्बी शामिल कर दें, 1 पाव चर्बी शामिल कर दें इसके अंदर। और ये मेरे पास ये घी है, ये घी शामिल करते हैं, ये 600 ग्राम घी है,
ये शामिल करते हैं। घी में बनाइएगा, ऑयल में ना बनाइएगा, ये इसके अंदर शामिल करते हैं। ये अच्छे तरीके से चर्बी और घी गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हमारी चर्बी और घी, और मैंने चर्बी मिक्स कर दी थी 600 ग्राम घी, चर्बी मेल्ट हो रही है ऐसा ऐसा। अब इसको मेल्ट होने देते हैं तब तक। ये देखें जी, शहजाद अली खान लाहौर से हैं, 11 ग्रिल फॉर यू के नाम से कारोबार शुरू किया हुआ है। सनी मशी शगुफ्ता बीबी मीरपुर आजाद से हैं, ये क्रिश्चियन है, आपको सलाम पहुंचे। हाफिज रिजवान कसूर से हैं, फरा मीरपुर खास से हैं, समीना रियाज सरगोदा से हैं, जरीन फरीद कराची से, राव इमरान लाहौर से हैं, मलक मुबशर अब्बास जेलम से। सब सब लोगों को मेरा सलाम पहुंचे, और ये अपना अपना काम शुरू कर चुके हैं। 600 ग्राम घी, 600 ग्राम प्याज। इस टाइम पे आके घी गर्म हो गया, प्याज शामिल कर दें। ये फार्मूला सुन लीजिए, 2 किलो का फार्मूला चावलों का बता रहा हूँ। साथ ये चर्बी भी मेल्ट होती रहेगी, प्याज भी हमारे बिरोल होते रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इस फार्मूले से बनाइएगा। ये डार्क होने शुरू हो गई हैं, हमें डार्क प्याज चाहिए। अब मसला पता क्या आता है, जो मुझे कॉल्स आ रही हैं या मैसेज आ रहे हैं, भाई हमारे जो पुलाव है वो डार्क नहीं होती, ब्लैक नहीं होती। कुछ प्याज ऐसे होते हैं जो डार्क अपना कलर छोड़ते हैं, डार्क होते हैं ज्यादा, कुछ नहीं होते। उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ मुकम्मल तरीके से। अब ये देखिए, हमें इस तरह के प्याज चाहिए, ये देखो इस तरह के, ये बिल्कुल मैंने इसको डार्क कर लिए, डार्क ब्राउन करने हैं हमने, बिल्कुल लाइट लाइट नहीं करने। चर्बी भी साथ साथ पिघलती जा रही है, ये देखो इस तरह की चर्बी बीच में रहेगी, चर्बी पिघलती जा रही है और ये डार्क ब्राउन भी हो गए। इस टाइम पे आके 100 ग्राम लहसुन अदरक का पेस्ट या 6 टेबल स्पून शामिल कर दें, ये देखें इस टाइम पे आके लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, 6 टेबल स्पून या 100 ग्राम लहसुन अदरक मिक्स करके, आधा किलो टमाटर, ये कटे हुए टमाटर ये शामिल कर दें, आधा किलो टमाटर शामिल कर दिए मैंने, थोड़ा सा पानी लगा दें जरा सा भुनाई के लिए, आधा गिलास से भी कम पानी लगा दें और इन टमाटरों को अच्छे तरीके से भुनने दें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर भी हमारे मेल्ट हो गए अच्छे तरीके से, और प्याज ने भी अपना कलर छोड़ दिया है, बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दिया। ये देखें इस शक्ल में आते जा रहे हैं ये, इसको मज़ीद इस टाइम पे आके आधा किलो दही है मेरे पास, मैंने हल्की जिसको फेंट लिया था, ये शामिल कर दें। फ्लेम को मैंने कम कर दिया दही डालते वक्त, ये शामिल कर दें इसको अच्छे तरीके से, फिर बुनाई कर लें इसकी। थोड़ी सी ये भुन जाए, इस टाइम पे आके ये मेरे पास 3 टेबल स्पून गर्म मसाला है पिसा हुआ, ये शामिल करते हैं, और ये मेरे पास 2.5 टेबल स्पून ये जीरा है, इसके अंदर कुछ कुछ ये काली मिर्चें हैं साबित, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, बकाया जीरा है, ये शामिल करते हैं 2.5 टेबल स्पून।
अच्छे तरीके से इसको भून लें, 3 से 4 मिनट फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, मैंने दही का पानी अच्छे तरीके से खुश कर लिया। इस टाइम पे आके ये गोश्त मेरा अच्छे तरीके से गला हुआ है, गला हुआ गोश्त इसमें अच्छा लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। गोश्त मेरा अच्छे तरीके से गला लीजिए आप, इसके अंदर ये शामिल कर दें और इसको 3 से 4 मिनट भून लें अच्छे तरीके से। नली भी इसमें अच्छी लगती है, छोटी मोटी भी अच्छी लगती है। बर्तन बड़ा लीजिए जिस तरह मैं ले रहा हूँ, ताकि दम लगाते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। 3 से 4 मिनट भून लूँ फिर मिलता हूँ। ये गोश्त मेरा मैंने भून लिया 3 से 4 मिनट, ये वही गोश्त वाली यखनी है। अब पानी कितना जाएगा मेरे पास, तवज्जो से सुना करें। ये देखें, ये मेरे पास 4 मग्गे चावलों के थे, ये 1 मग्गा वही वाली यखनी, ये 2 मग्गे और 2 मग्गे मेरे पास यखनी थी, उसमें से ये 3 ये 4 ये 5 ये 5.5 5.5 मग्गे मैंने शामिल किए। अब 5.5 मग्गे मैंने शामिल क्यों किए ये भी सुन लें आप, फिर आप बाद में बार बार टेंशन ना लिया करें। 5.5 मग्गे मैंने इसलिए शामिल किए कि मैंने चावल को भीगे हुए 40 से 50 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर 5.5 मग्गे 8 आपने डबल 8 नहीं करने, इसलिए आपके चावल या राइस अच्छे नहीं बनते। अगर आपने उसको कम टाइम 30 मिनट के लिए भिगो रखा है चावलों को, तो फिर 6 मग्गे डाल दीजिए बस। डबल करके जब आप पानी डालते हैं तो आपकी जो पुलाव है या बिरयानी कोई भी चीज है वो अच्छी नहीं बनती। इस टाइम पे आके मैंने क्या करना है इसको, ये देखें, ये मेरे पास इस तरह का कपड़ा है मलमल का, ये ले लें, ये 1.5 टेबल स्पून चाय की पत्ती है, सिंपल चाय की पत्ती कोई भी ले लें, इस कपड़े में डाल दें। कपड़े में डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं बांध लूं, कपड़े में डाल के मैंने चाय की पत्ती बांध ली, इसके अंदर डाल दें इस तरह और इसको साफ पकने दें, पानी को बॉयल आ जाए, मैं चावलों को पानी साफ कर लूं, फिर मिलते हैं। टू टेबल स्पून का नमक का खास ख्याल रखा करें, 2 टेबल स्पून मैंने जब गोश्त को बॉईल किया उसमें डालें और 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। मैं फिर चेक करूंगा नमक का खास ध्यान क्या करें। 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें इस टाइम पे आके, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मैं अभी पानी में इसका इसकी जो यखनी तैयार हो रही है इसमें चेक करूंगा, नमक कम ज्यादा हुआ तो मैं भी एडजस्ट कर लूंगा इसमें, ये ध्यान में रखा करें। ये लीजिए, 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से यखनी को पका लें। इस टाइम पे आके ये इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची हैं 5 से 6 अदद साबुत, ये शामिल कर दें और ये जो पोटली मैंने डाली थी इसके अंदर पत्ती की, इसका जो कलर मुझे चाहिए था वो आ गया, इसको मैंने निकालने लगा हूँ, इसको निकाल दें। कितनी देर ये अंदर रही? ये तकरीबन 5 से 7 मिनट अंदर रही, आप ज्यादा देर भी रख सकते हैं अगर आपको उसको और डार्क की तरफ लेके जाना है। मिकदार भी बढ़ा सकते हैं, मिकदार भी बढ़ा सकते हैं, जितना डार्क करें, साशे जो टी बैग मिलते हैं वो भी डाल के लटका लें ऐसे, उससे भी आप इसका कलर कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल एक तरीका बता दिया कलर देने का। अब इसका क्या करना है, आपने ये चावल थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डाल दें 2 किलो चावल डाल दें इसमें, मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ये मैं कहता हूँ कोई चीज़ तैयार होगी आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसको आँच को थोड़ा सा खोल के इसका पानी खुश कर लें। ये लें जी, इसका पानी खुश की तरफ, खुश होने की तरफ चला जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये ले वेवर, ये देखें इस कंडीशन में आ गया है। आपने ऐसे चम्मच नहीं चलाना चावलों में, यहाँ साइड से ऐसे, मैंने कई दफा आपको बताया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे प्यार प्यार से, ताकि आपका चावल ना टूटे। और इसका एक दूसरा फार्मूला आपको बताने लगा हूं मैं, देखें अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो ये फाइल पेपर बाजार से मिल जाता है, इसके साथ का फाइल पेपर ले लें, इसको दम लगाने लगाऊं, आंच को मैंने कम कर दिया, इसका इस तरह का फाइल पेपर ले लें और इसको दम दे दें, ये देखें ऐसे दें इसको, ये ऐसे चिपक जाता है साथ, जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको पता होगा, यहाँ से इसको ऐसे कर लें, इसको टाइट कर दें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है चावलों का ये फाइल लगाने से। दूसरा पीस उठाएं, ऐसे दे दें, इसको कवर कर दें, जितना अच्छा आपका दम लगेगा, इसको मैंने मजीद दम में ही बनाना है, इसको मैंने जितना पकाना था जितना कुक करना था मैंने कर लिया, इस तरीके से ये साथ चिपक जाता है सारा, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, फाइल लगाया करें बेहतर रिजल्ट के लिए, ये बिल्कुल सील पैक हो जाता है, इसके ऊपर कवर दे दें, ये देखें मेरा ये पतीला मोटा है इसलिए मैं इसके नीचे तवा नहीं रख रहा, अगर आपका पतीला छोटा है तो उसके नीचे पतला, हाँ पतला है तो उसके नीचे आप तवा लाजमी रखें, और इतना गैप होना चाहिए ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो तैयार हो, आप ऊपर तक इसको भर के बनाते हैं स्टीम तैयार नहीं होगी चावल अच्छे नहीं बनेंगे। मैं बहुत स्लो आंच पे इसको शेफ रामेश आपको दिखाएगा 20 से 25 मिनट के लिए दम पे लगाने लगा हूं, जब तक मैं इसके साथ जो रायता सर्व होता है उसका बनाने का तरीका बताता हूं आपको। ये मेरे पास 1 किलो दही है, बहुत जबरदस्त, अच्छा कुछ जगहों पे ये रायते के साथ जो मैं बना रहा हूँ इसके साथ जो रायता होता है डार्क पुलाव के साथ, कुछ जगहों में मिलता है कुछ जगहों पे नहीं मिलता, आप इसको पतला या थिक रख सकते हैं अपने हिसाब से, फार्मूला यही रहेगा, 1/2 टेबल स्पून नमक या अपने हिसाब से इलाके के हिसाब से, 1/2 टेबल स्पून जीरा, ये देखें इसमें शामिल कर दें, ये ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून, ये देखें ये शामिल कर दें, बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा इसका। ये मेरे पास 6 से 7 सब्ज मिर्चें थी मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल कर दें, ये मेरे पास एक प्याज था मीडियम साइज का, ये शामिल कर दें, इसके मैंने ग्राइंडर मशीन में शामिल कर दिया, ये देखें अब इसको मैंने सिर्फ 20 सेकेंड चलाना है, बस 15 सेकेंड या 15 सेकेंड से भी कम इसको थोड़ा सा चला के मैं आपके सामने चलाता हूं, बस फिर छोड़ देना है, ज्यादा नहीं चलाना आपने। ये मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले जी बस, ये अब 5 सेकेंड बने 6 बने इतना ही चलाना है आपने, इससे ज्यादा ना चलाइएगा। ये हमारे पास माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इधर से पुलाव की खुशबू नहीं खिलौन दे रही, इधरों रायते की खुशबू नहीं खिलौन दे रही, बहुत जबरदस्त इसकी अंदर से भी खुशबू आ रही है, रायता भी बहुत जबरदस्त तैयार हुआ है। अब 20 से 25 मिनट इसको दम कंप्लीट, दम पे कंप्रोमाइज ना कीजिएगा, इसको मैं दम दे लूं अच्छे तरीके से फिर मैं आपसे मिलता हूं, इसको फाइनल लुक दिखाता हूं आपको। ये ने वीवर हमारा 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बिल्कुल जो स्लो फ्लेम था उसको मैं बंद करने लगा हूं, वो बंद हो गया, इसका ढक्कन उतार दें इसे, ये देखें ये फाइल मैंने पेपर हटाने लगा हूँ आपके सामने, ये देखें इसके अंदर से जो स्टीम है वो देखिएगा, ये देखें ये देखें ये देखें, ये फाइल पेपर के कमालात हैं, फाइल पेपर लगाएंगे ये देखें, कलर भी इसका माशाल्लाह देख लें डार्क है बिल्कुल जिस तरह आपको मार्केट में मिलता है, ये देखें ये देखें जूसी भी है, मैं आपको भी डिश आउट करके दिखाता हूँ। अब इसके रेट की तरफ आ जाए थोड़ा सा, ये वजन करके मिलता है तुल के, प्लेट वाइज नहीं होता, कहीं पे 70 रुपए पाव है, कहीं किसी शहर में 80 रुपए पाव है, ये आप अपने इलाके के हिसाब से देख लीजिए, 280 रुपए किलो भी मिलता है, 300 रुपए किलो भी मिलता है, 250 रुपए किलो भी मिलता है, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक 3 रेट हैं ये इसके, आप अपने इलाके के हिसाब से देख लीजिए करें इंशाल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अकेला अकेला चावल जूसी चावल, ये देखें ये देखें माशाल्लाह, ये देखें गली हुई बोटी होनी चाहिए आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें देखो नली भी आ गई, ये देखें ये इसके साथ जो रायता मैंने तैयार किया था, आप इसको पतला भी कर सकते हैं पानी डाल के अपने हिसाब से, अगर वहां पे आपके पास जो है ना रेट कम चल रहा है और ये जिस तरीके से कस्टमर को देना चाहते हैं बनाइएगा इस तरीके से, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये देखें जी व्यूअर ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिए, इनका रेट बता दिया मुकम्मल तरीके से, इनका कलर भी बता दिया, अगर आप इससे ज्यादा डार्क करना चाहते हैं तो चाय की पत्ती को ज्यादा कर लें थोड़ा सा,
ज्यादा उसके 2 टेबलस्पून डालते हैं और ज्यादा टाइम पे इसको पानी में पका लिए डार्क हो जाएंगे। और कुछ इलाकों में मैंने बताया प्याज डार्क होती है, कुछ में नहीं होती, प्याज से डार्क सही नहीं होते मेरे भाइयों, मैं तुम दस देता। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, फेसबुक पे पेज है बाबा फूड आरआरसी के नाम से, उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें रिश्तेदारों में दोस्तों में। और शेफ रामेश ने चैनल बनाया हुआ है बाबा फान आरआरसी के नाम से, काइंडली वहां पे जाएं विजिट करें, वहां पे मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, शेफ रामेश ने बहुत कुछ बताया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, उसको भी शेयर कर दें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक नई रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा, कमर्शियल रेसिपियां, जदीद रेसिपियां, सादी रेसिपियां, इंशाल्लाह। टेंशन ना लिया करें, मैं आपके साथ हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।